हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी यहाँ अच्छे से हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला टी है, वो है गिलोय का टी। आप तो गिलोय के बारे में जानते ही होंगे। गिलोय हमारे लिए कितना ही अच्छा होता है। ये हमें 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे हमें हमारी रोगों से जो लड़ने की क्षमता हो जाती है वो बढ़ जाती है। और आजकल जो महामारी जो फैला हुआ है कोरोना, उसमें हमें ये टी ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम सुबह सुबह इसे अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करते हैं तो ये हमें बहुत हद तक इस महामारी से बचा सकता है, क्योंकि ये हमें अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है तो इसे ज़रूर अपने शामिल करें अपने रूटीन में। ये एलर्जी, खांसी, जुकाम, बहुत सारे बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। इसमें अगर आप इसे पीते हैं तो इससे आपको कैल्शियम, आयरन जो सबकी पूर्ति होती है। ये हमें विटामिन ए, बी, सी, डी और B12 भी हमारे शरीर में इसे पीने से बढ़ती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम है तो इसे पीजिए। और अगर आपका प्लेटलेट कम होता है, ये प्लेटलेट को भी बढ़ाता है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, यह है गिलोय। यह है गिलोय रूट, जिसे मैंने अमेजोन से लिया था। और ये मैंने तब लिया था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, और मैंने इसे फरवरी में अमेजोन से मंगवाया था। आप भी इसे मंगवाइए और पीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं टी। इसके लिए हमें चाहिए एक पतीला, और पतीले में डाल दूंगी एक कप या दो कप, जितने भी मेंबर्स के लिए आप बनाना चाहते हो उतने कप पानी डाल दीजिए। और इसे गर्म करना है पानी को। और यहाँ मैं जो ये गिलोय है, आप चाहे तो इस गिलोय का पाउडर भी मिक्सी में बना के रख सकते हैं, पर मैंने अभी इसका पाउडर नहीं बनाया है, पर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। यहाँ मैंने ले लिया एक गिलोय, मैं ज़्यादा गिलोय का यहाँ प्रयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में थोड़ा कम ही यूज़ करना चाहिए। और ये मैं इसे इस तरह से घस ले रही हूँ। आप इसे चाहें तो इसे मिक्सी में भी इसका पाउडर बना सकते हैं। इस तरह से ये हो गया है, और इसे मैं डाल दूंगी पानी में। आप चाहें तो इसमें हल्दी और अदरक, गोल मिर्च और तुलसी का पत्ता, ये लौंग, ये सब भी डाल सकते हैं। पर अभी क्योंकि गर्मी का सीज़न है, इसलिए इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा शरीर में गर्म कर जाएगा। तो बस ये मैं सिर्फ गिलोय को ही वैसे इसका चाय बना के पीऊँगी। और आप भी इस तरह से गिलोय का चाय बना के सुबह सुबह पीजिए, और ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होता है गिलोय, और ये पीने में थोड़ा सा कड़वा होता है, पर इसे ज़रूर पीना चाहिए। अभी जिस तरह से कोरोना महामारी चारों तरफ फैला पूरा वर्ल्ड में, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो बहुत हद तक इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया है गिलोय का टी, और इसे हम छन्नी से अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती